आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो एवरीवन, सो क्वेश्चन दिया गया है, फाइंड आउट द पार्ट व्हिच हैज एरर इन द फॉलोइंग सेंटेंस। इफ देयर इज नो एरर, आंसर इज डी। सेंटेंस है, ही हैज अ स्कीम ऑफ इट्स ऑफ हिज ओन व्हिच ही थिंक्स प्रेफरेबल देन दैट ऑफ एनी अदर पर्सन। सो उसकी एक अपनी स्कीम है जो उसे लगता है कि प्रेफरेबल है बाकी किसी दूसरे इंसान से। बात करते हैं एरर की। नाउ अगर हम यहाँ पे बात करें तो इस सेंटेंस में बेसिकली कंपैरिजन हो रहा है, वो बेसिकली कंपेयर कर रहा है अपनी स्कीम और बाकी लोगों की स्कीम से। अब यहाँ पे हमें यूज किया है देन, ठीक है। यहाँ पे एरर ये है कि देन नहीं यूज होगा, यहाँ पे यूज होगा टू। अब टू क्यों यूज होगा? क्योंकि इस सेंटेंस में जो कंपेरिजन हो रहा है दो चीजों के बीच में, देर इज अ रिजेंबलेंस बिटवीन दिस। रिजेंबल कर रही है आपस में, ठीक है, दोनों आपस में रिजेंबल कर रही हैं, देयर इज अ रिजेंबलेंस। और जब रिजेंबलेंस होती है बेसिकली दो चीजों के बीच में, और वी कैन सी कि हम एनालॉजी लाते हैं दोनों चीजों के बीच में, रिजेंबलेंस, एनालॉजी आल्सो मींस कि सेम, सो उस टाइम हम टू यूज करते हैं, देन यूज नहीं करते। सो वी नीड टू ऑमिट देन और इसकी जगह हम यूज करेंगे टू। तो जो हमारा सेंटेंस होगा क्या होगा? He has a scheme of his own which he thinks preferable to that of any other person. So main is correct sentence likh rahi hu yahan pe. He has a scheme of his own which he thinks preferable to that of any other person. I hope this is clear. Thank you. Class 6 to 12 से लेके नीट IIT JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।